नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया की बड़ी दुख भरी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी माँ की बहुत सेवा करता था, उसे खाना खिलाता, नहलाता, क्योंकि बुढ़िया माई की उम्र तकरीबन 70-75 साल थी। क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो स्वयं कुछ अपना कर सके। अब एक दिन उसका बेटा कहने लगा, माँ, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं परदेश जाकर कमाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, अपनी गृहस्थी भी चलानी है। तब वो अपनी बहू को समझाने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का पूरा ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार की कोई दुख ना हो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन बहू बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती थी। बेटे के आगे तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन बेटे के जाते ही तो वह अपनी मन मर्जी करने लगी। वह ना तो बुढ़िया का सही से ख्याल रखती थी और ना ही उसे सही से खाना पीने के लिए देती थी। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं दिया, रात में दे दिया तो दिन में नहीं दिया। ऐसे ही बेचारी बुढ़िया बहुत रोती रहती थी। वो मजबूर थी कि क्या करें। अब कुछ दिन के बाद उसका बेटा परदेश से लौटा तो वो अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ, तुम कैसी हो, तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है। लेकिन बुढ़िया क्या कहती। वो सोचने लगी, अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटा बहू से लड़ाई करेगा और घर में कलह होगी। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति नहीं भंग करना चाहती, और उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। और कहने लगी, हाँ बेटा, मेरी बहू ने बहुत सेवा की है। बेटा खुश हो गया और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से मिला। अब शाम को जब बेटा आया रात को तो पत्नी से बोला कि माँ को खाना खिला दिया। तो पत्नी ने कहा कि हाँ खिला दिया। तब वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ खाना खा लिया। तो माँ कहने लगी, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तब वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, माँ तो कह रही है खाना नहीं खाया। तब वह बोली, माँ की तो उम्र हो गई है, भूल गई होंगी। मैंने उनको खाना खिला दिया है, आप निश्चिंत रहिए। और सारा काम समेट कर पति पत्नी सोने के लिए चले गए। बुढ़िया बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा खाना लेकर आएगा। अब वह भूखी भी थी, पूरा दिन उसका निकल गया था। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी आत्मा कुल बुला रही थी। तब वह देखी कि बहू बेटा सोने चले गए तो वह रोती रोती कहने लगी, बेटा बहू सो गए, आस मेरी टूट गई, निंद्या रानी जाओ, मेरे पास सो जाओ, हे माता रानी, हे प्रभु, ऐसी जिंदगी से तो मुझे उठा ले, अपने पास बुला ले। इस तरीके से वह बोल रही थी तो उसके बेटे को कुछ आवाज सुनाई दी। तब वह कहने लगा, माँ कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कह रही है। वो बोला कि नहीं, कुछ कह रही है। तो बोली कि चलो तुम सुन लो क्या कह रही है। जब उसकी माँ ये कहती कि मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुला लो, तब तो पत्नी चुप रहती। और जब वो बीच के शब्द भूलती तो उसकी पत्नी बीच में अटकाव करती, कुछ बातें करने लगती। तो बेटे को बस यही सुनता कि आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो,
यही बेटे को सुनाई देता। तब उसकी पत्नी कहने लगी, वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि ऐसी क्या बात है जो माँ इस टाइम ऐसे बोल रही है। तब वह कहने लगी कि अगर आप कह ही रहे हो तो चलो बता देती हूँ, नहीं तो मुझे तो बताते हुए भी बड़ी लज्जा आती है। तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वो मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अकेला नहीं सोना है, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो कहते हुए बड़ी लज्जा आ रही है। तब उसका बेटा कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ भला ऐसा क्यों बोलेगी। वो कहने लगी, नहीं यही सच है। तब उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि बेटा भी थोड़ा मूर्ख टाइप का था। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और अपनी पत्नी से बोला कि सुबह ही मैं माँ का रिश्ता तय करके आता हूँ। वह कहने लगी कि हाँ इनका रिश्ता कर दो, इनकी शादी कर दो और इन्हें इस घर से विदा करो। अब बेटा एक गांव में जाकर माँ का रिश्ता तय कराया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और आकर कहने लगा, माँ मैं जो है काम तुम्हारा करी आया हूँ, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ने सोचा, शायद मेरा बेटा मेरे पास रहेगा इसलिए बोल रहा है। तो वो कहने लगी कि ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए। अब वह तो अपने बेटे के लिए बोल रही थी, लेकिन बेटा सोच रहा था, माँ तो सचमुच शादी करना चाहती है। वो बोला तो कुछ नहीं। अब उसने रिश्ता तय कर दिया। तय समय पर बारात आ गई। बारात आई तो वो बुढ़िया की बात चारों ओर फैल गई कि बुढ़िया की शादी हो रही है, बुढ़िया की शादी हो रही है। सब लोग अड़ोसी पड़ोसी उसके मुंह पर थूकने लगे, कहने लगे कि नालायक इस उम्र में अपनी माँ की शादी करा रहा है। तो वह कहने लगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी माँ खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो, और जो गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें थी वे सब उस बुढ़िया के पास गई कि चलो हम इसकी माँ से ही पूछते हैं। अब बुढ़िया माई को तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तब वह उस बुढ़िया से पूछती है कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वह सही है क्या, किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई जो भी लगती थी सब उससे पूछने लगे बुढ़िया से कि तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे लिए कर रहा है वह सही है। अब बुढ़िया माई सोचती कि मेरा बेटा कोई अच्छा ही काम कर रहा है, अगर मैं मना करूंगी तो मेरे बेटा की तो बड़ी बुराई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। वो कहने लगी, हाँ मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के लोग सब हाथ मलने लगे, बताओ इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। अब सब कहने लगे, बड़ी कुलक्ष्मी बुढ़िया है, हम तो बड़ी अच्छी बड़ी पूजा पाठ वाली समझते थे, बड़े नेक दिल की थी, लेकिन ये तो बड़ी खराब औरत निकली, जो इस उम्र में भी इससे शादी की पड़ी हुई है, खुद से तो संभला नहीं जाता है और यह शादी करेगी। अब बुढ़िया बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अब शादी की जब बारात घर पर आ गई तो बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि बहू ये किसकी बारात घर पर आई है। तो बुढ़िया की जो बहू थी कहने लगी, अब चुप भी हो जाओ, क्यों ड्रामा कर रही हो, तुम्हारी बारात आई है और किसकी आई है। बुढ़िया माई एकदम से सन रह गई। वह कहने लगी, मेरी बारात, भला मैं इस उम्र में शादी करने लायक हूँ जो मेरी बारात आएगी। तब वह कहने लगी कि ज्यादा मत बोलो, अगर तुमने कुछ ज्यादा चूचा की तो तुम्हारा बेटा जो कह रहा है कि मैं अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहना, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है, वो तुम्हारा विवाह कराना चाहता है। अब बुढ़िया बेचारी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो
मेरा बेटा मर गया तो बड़ी मुश्किल होगी। मेरे बेटे को क्या चढ़ है? अब वह रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे माता रानी, धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। यह मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का यह नहीं चाहा कि इसका साथ कोई गलत हो। लेकिन आज मेरे साथ ये क्यों गलत हो रहा है? मुझे ऐसे कौन से कर्म की सजा मिल रही है? लेकिन बेचारी बुढ़िया क्या करती, रो पीट कर बैठ गई। उसका बेटा आया और कहने लगा, माँ जल्दी चलो, नहीं तो मुझे अब बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जो बुढ़िया फिर डर गई, उसने सोचा कि शादी नहीं करूंगी तो ऐसा ना हो बेटा फांसी लगा ले, मर जाए। वो जाकर चुपचाप मंडप में बैठ गई। अब बुढ़िया की शादी हो गई और बुढ़िया की विदाई होने लगी तो बहू बुढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी मत आना और यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बुढ़िया रोती हुई डोली में बैठ गई, जो कहार थे वो डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा घिर आया। अब वे पड़ोस में ही एक गांव था, उस गांव में रुक गए। एक परिवार ने उन्हें पनाह दी कि रात आप यहाँ रुक जाइए, सुबह चले जाना। पहले लोग तो ऐसे ही रुकते थे आसपास में, सबके साथ यही होता था, कोई ऐसा साधन नहीं था सवारी का, तो वे लोग एक घर में रुक गए। जिस घर में वे रुके थे, उस घर की जो मालकिन थी, मतलब महिला थी, मुखिया, वो बड़ी आलसी थी। वो कोई भी काम घर में सही से नहीं करती थी, ना ही कोई पूजा पाठ करती थी। उसका सारा घर का सामान इधर उधर फैला हुआ था, कहीं सूप, कहीं झाड़ू, कहीं तराजू, कहीं बर्तन, ऐसे पूरे घर में फैले हुए थे, जो बाहर आंगन में चारों तरफ फैले हुए थे। तो बुढ़िया बेचारी एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने बेटे को याद कर करके सोचने लगी कि मेरे कौन से कर्म की सजा मुझे मिली है, जो एक बेटे माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो जीवन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। अब वह तरह तरह से माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी सूप और झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे, बर्तन भी उनके साथ बोल रहा था। कह रहे थे कि जो ये घर की मालकिन है, इसके पास लक्ष्मी कहाँ से ठहरे, ये कभी हमारी कदर नहीं करती है, देखो मैं चारों तरफ बिखरा पड़ा हूँ। झाड़ू कहने लगी कि ठंड में हमें बाहर फेंक देती है, हम बाहर पड़े रहते हैं। सूप भी कहने लगा कि इस ठंड का टाइम है, हम बाहर पड़े रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठाकर अंदर रख दे, अगर हमें कोई उठाकर अंदर रख देगा तो हम उसे बहुत खूबसूरत बना देंगे। बुढ़िया माई ये सब सुन रही थी। अब वह उठी और उसने सूप, झाड़ू, बर्तन, तराजू, पंसेरी, जो भी इधर उधर घर का सामान था, सब सलीके से लगा दिया। तो बुढ़िया अचानक ही 70 साल से 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। ये देखकर बुढ़िया बड़ी अचंभित हुई कि यह क्या चमत्कार हो गया। बर्तन भी कहने लगे कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अब जो घर की लक्ष्मी थी, वो बुढ़िया के साथ चल दी। अगले दिन सुबह हुई तो कहार विदा करने के लिए बोले तो बुढ़िया जब डोली में बैठी तो कहार देखकर हैरान रह गए। वह जिसे लेकर आए थे वो तो 70 साल की बुढ़िया थी और ये तो 16 साल की लड़की है। बुढ़िया माई से वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप डोली उठाकर चल दिए। जब बुढ़िया माई अपने ससुराल पहुंची तो घर परिवार के लोग भी देखकर सन रह गए, अरे इतनी खूबसूरत लड़की 16 साल की, कमाल हो गया। वो तो बुढ़िया बताकर गया था, सब लोग बोले कि चलो ये जैसे इन्होंने किया है ठीक है।
हमें क्या हमारे घर में तो बहू आ गई और उसके घर में रहने लगी। अब उधर 7-8 दिन हो गए तो पड़ोसी जो उसके बेटे के साथ तफरी कर रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे थे, अरे तेरी माँ को गए हुए 7-8 दिन हो गए, तू लेने नहीं गया? बेटे ने सोचा कि सच में लेने जाना होगा। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी कि पागल हुए हो जो माँ को लेने जा रहे हो? अब उसने हमारी समाज में सबके सामने नाक कटा दी, अभी भी उसे लेने जा रहे हो? बेटा कहने लगा कि नहीं, लेने तो जाना पड़ेगा। अब बेटा माँ को लेने चला गया। जब वह उसकी ससुराल पहुँचा तो 16 साल की जो बुढ़िया 16 साल की बन गई थी, उसने देखा उसका बेटा आया है तो वह भागकर जल्दी से चारपाई बिछाई, उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बिठाया, दौड़कर पानी लाई, अच्छा अच्छा खाना बनाया, उसे खाना खिलाया और उसे तब हालचाल पूछा। तब वह बेटा कहने लगा कि मेरी माँ इस घर में है, मैं उसे लेने आया हूँ। तब वह कहने लगी, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तब वह लड़का हैरान रह गया और उस कहने लगा, क्यों मेरे साथ मजाक करती हो? मेरी माँ तो 70 साल की बूढ़ी औरत है, तुम तो 16 साल की कन्या हो। तो कहने लगी कि नहीं, मैं ही तेरी माँ हूँ। जब तूने मुझे विदा किया था तो उस समय हम एक घर में रुके थे और उस घर में झाड़ू सूप बर्तन आपस में बातें कर रहे थे कि जो भी हमें उठाकर रखेगा हम उसे सुंदर कर देंगे। मैंने वह सब चीजें सलीके से उठाकर रख दी। उनके वरदान से ही मैं 16 साल की बन गई। पूरी बात बताती है तो वो कहता है कि माँ तूने ये सब क्यों किया? क्यों तूने समाज में मुझे बोलने के लायक नहीं रखा? क्यों तूने दूसरी शादी की? अब उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने दूसरी शादी के लिए तुझसे कब कहा? क्या मैं इस उम्र में शादी करना चाहती? मैं अपने जिगर के टुकड़े से क्या अलग होना चाहती? तब वह कहने लगा, तो माँ तो रात में किसे बुलाती थी? तू ही तो कहती थी कि मेरे पास आकर सो जाओ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो वह कहने लगी, बेटा तूने मेरे से एक बार भी पूछा कि माँ बात क्या है? बेटा कहने लगा, नहीं, जब तुम कह रही थी तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थी। तब वह कहने लगी, बेटा जब तू परदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू अपनी बीवी से लड़ाई करेगा और सोचेगा मेरी माँ तो घर में कलेश ही रखती है। इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, इसलिए ये सोचकर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे खाना कभी दे दिया कभी नहीं दिया, कभी रात को खाना खिला दिया तो कभी दिन में खिला दिया, जिस दिन दिन में खिला दिया उस दिन रात को नहीं देती थी, जिस दिन रात को खिला दिया उस दिन दिन में खाना नहीं देती थी। अब मैं बूढ़ी औरत लाचार औरत मैं क्या करती? तो मैं रात को जब तू आया मेरे से पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया माँ? उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया था, तेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जब तेरी बीवी ने कहा कि खाना खिला दिया तो तूने मुझसे पूछा नहीं कि माँ तू मना क्यों कर रही है? तुम दोनों तो पति पत्नी सोने चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने ईश्वर से अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो सो गए, आज मेरी आस टूट गई, निंद्या रानी आ जाओ मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो, अपने पास बुला लो, बस मैं यही आस प्रभु से कर रही थी। जिसे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। तब वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहने लगा,
माँ चल तू मेरे साथ चल अभी, और अपनी माँ को लेकर वहाँ से चल दिया और कहने लगा कि आज के बाद मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अब रास्ते में जाकर वह कहने लगा, माँ इस 16 साल की उम्र में तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकार करता हूँ, मुझे तो अपनी पहले जैसी माँ चाहिए। अब बुढ़िया माई माता रानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे माता रानी मुझे मेरे पहले रूप में दे दो। अब ईश्वर की कृपा से बुढ़िया पहले रूप में आ जाती है। बुढ़िया को बेटा अपने घर ले जाता है तो बहू देखते ही बहुत गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है इस कुलक्षणी को ले आए। इसने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी थी, फिर इसको लेकर आ गए। अब उसका पति उसको दो चमाटे रखता है बड़े जोर से कि नालायक औरत तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया। और अब बोलती है कि इसने नाक कटवा रखी है। नाक तो तूने कटवाई है, और वह बेटा जो अपनी माँ की सेवा खुद करने लगा, जब पति का ऐसा रूप देखा तो पत्नी भी समझ गई और माफी मांगने लगी, और उसने अपनी सास से और अपने पति से माफी मांगी। और अब तीनों माँ बेटा पति पत्नी खुशी से रहने लगे। हे माता रानी जैसे उस बुढ़िया पर बीती ऐसी किसी पर मत बीतनो। सबके बेटों की रक्षा करना, सबके सहायता करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय बोलो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।